हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? स्वागत है मेरे शेनप फैमिली में। तो लेनी है आयु, इधर देखो, क्या चाहिए आपको? राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, हम लोग का लंच हो चुका है और आज है संडे और हम लोग ऐसे मस्ती कर रहे हैं बैठ के। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा आज घूम के आते हैं कहीं से। यस। तो ऐसी थोड़ी देर के लिए हम लोग निकलेंगे, है ना वेद? यस वेद, तो चले हम लोग रेडी होने। यस ओके गाइस, तो मिलते हैं हम लोग रेडी होके। गाइस, तो आज मैं डालने वाली हूँ ये जो मैं DIY से लाई थी बैंगल्स, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा आज डालती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मुझे तो ऐसे चूड़ी डालना बहुत पसंद है। इसमें से मैं कुछ डालने वाली हूँ आज, तो देखती हूँ कौन सा मेरे ड्रेस पे मैच आएगा। ये इयररिंग्स मुझे अच्छा लगा तो मैंने आज ये वेयर किया है, छोटा सा था, क्यूट सा, बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने आज ये पहन लिया। वैसे मैं ज़्यादा इयररिंग्स नहीं डालती हूँ अलग अलग, बट ऐसे छोटे छोटे अच्छे लगते हैं क्योंकि थोड़ा हैवी सा मुझे वो मुश्किल होता है कैरी करने में। ये देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। गाइस, तो हम लोग अभी निकल चुके हैं। आयु आयु कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है घूमी घूमी करने? आयु को नींद आ रही है, नीनी आ रही है। सोना है बच्चा को? सोना है? हाँ, नहीं सोना है, घूमी घूमी करना है। गाइस, तो सबसे पहले मैं जाऊंगी प्रेश के घर। प्रेश वेद का फ्रेंड है तो हम लोग अभी उसके सोसाइटी पहुंच चुके हैं। प्रेश को पता नहीं है हम लोग आए हैं वेद को लेके, और उसकी मम्मा से मुझे बात हो गई, वो बोली है नीचे ही गया है खेलने के लिए, तो हम लोग अभी उससे नीचे ही मिल लेंगे। तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है, उसको पता नहीं है कि उसका फ्रेंड उसको सरप्राइज देने वाला। ये देखिए प्रेश बॉल लेके खेल रहा है यहाँ पे, तो चलिए मिलते हैं प्रेश। प्रीशु, मैं छोड़ के जाऊँ ना? ठीक है, बंद कर दो फिर। बाय वेद, अच्छे से रहना। बोल रहे थे मजे मस्ती करेंगे। भैया चला गया, आयु को नहीं ले गया भैया, आयु इसलिए इधर उधर देख रहा है। भैया चोल के चला गया बाबू को। ओ गुच्छा है बेटा मिलो। ओ भैया के साथ तुम्हें भी उतरना था। ओ ले 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 ले। गाइस, तो हमने वेद को छोड़ दिया प्रेश के पास। प्रेश और वेद बहुत ही अच्छा फ्रेंड है दोनों, तो दोनों अभी अलग अलग स्कूल में चला गया और अलग अलग सोसाइटी में रह रहा है, तो दोनों को मिलना नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी, तो इसलिए संडे सैटरडे संडे में कभी प्रेश आ जाता है, कभी वेद को इधर छोड़ देती हूँ। वेद को आज मन था मिलने का, तो मैंने सोचा चलो ठीक है उसको थोड़ी देर अपने फ्रेंड के पास छोड़ दूँ। उसको मार्केट वार्केट जाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है वेद को, तो इसलिए उधर छोड़ दिया हमने। अभी वो वहाँ पे खेलेगा, मस्ती कर लेगा थोड़ी टाइम के लिए, तब तक हम लोग भी अपना सोचा इधर घूम के आ जाते हैं। तो हम लोग अभी दूसरे रास्ते से, हम लोग अभी एक्चुअली फार्म ही जा रहे हैं बट दूसरे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि इधर का रास्ता कभी मैंने देखा नहीं था, तो मैंने बोला कि चलो नया रास्ता ट्राई करते हैं, थोड़ी हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। इधर का रास्ता थोड़ा लंबा है बट अच्छा लग रहा है, ऐसे पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है, आप देख सकते हो पूरा गांव का रास्ता लग रहा है, तो अच्छी रास्ता थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, तो इसलिए हम लोग इधर से अभी जा रहे हैं। पूरा गांव का रास्ता है गाइस, तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने फार्म, पहुँच चुके हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं हमारे फार्म पर अभी क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हुआ है। ये देखिए हमारे खेत का पालक निकला है, कितना फ्रेश और कितना अच्छा है।
तो अभी मैं पहुंच चुकी हूं अपने फार्म पे। निकली थी तो सोचा थोड़ा सा फार्म भी विजिट कर लूं, क्या क्या इधर चल रहा है एक बार आके देख लूं। तो इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए इधर भी आ गए हैं। और मुझे ये अमरूद मिला है, यहाँ एक बहुत ही अच्छा पेड़ है, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है इस अमरूद का। तो मैं इधर जब भी आती हूँ तो अमरूद खाती हूँ तोड़ कर। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो सब सब्जी सब लगाया था तो उनको सब मतलब कितना बड़ा हुआ है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। गाइस तो देख सकते हैं ये हमने जितने सारे वेजिटेबल लगाए थे आप पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे, हमने ये सारे वेजिटेबल खुद अपने हाथों से लगाए थे। तो ये सारे ग्रो कर गए हैं और अभी इसमें कुछ कुछ तो आने लगा है। टमाटर वगैरह आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये मैंने बैम्बू डाला है बीच बीच में, क्योंकि ये सारे ना लत्ती वाले होते हैं तो बैम्बू पे चढ़ जाएंगे ये सब, तो इसलिए बैम्बू लगवाया है बीच बीच में। देखो कितना अच्छा ग्रो कर गया है मेरा सारा वेजिटेबल। अभी पालक धनिया ये सब तो निकल रहा है, अभी तो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको, बाकी अभी धीरे धीरे ये फल वाले थोड़े टाइम लेते हैं तो धीरे धीरे आ जाएंगे, एक महीने के अंदर मेरा सारा वेजिटेबल। गाइज ये देख सकते हैं मेरा अनार है, अनार के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ये हमारी 2 साल की मेहनत है, 2 साल पहले हमने लगाया था, अभी इसमें फल आ गए हैं इतने अच्छे। और पता है आपको, ये एकदम देसी अनार है, इतना मीठा लगता है, एकदम रेड रेड, और बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में, टेस्ट भी बहुत अच्छा। और ये देखिए अंजीर है, अंजीर का भी टेस्ट बहुत अच्छा है। ये सब हमारी 2 साल में ग्रो हुई है, इतनी बड़ी बड़ी पेड़ हुई है, ये सब अनार का है। अभी नारियल भी लगाया है बट नारियल अभी नहीं आएगा इतनी जल्दी, तो इसके लिए नारियल में तो अभी टाइम है, बट अनार वगैरह देखो कितने बहुत सारे फले हैं इस बार, तो बहुत सारा फल आया है इसमें अनार में, बहुत ही अच्छा अनार है ये। तो हम बच्चों को भी पसंद है, वेद तो खा लेता है। तो ये देखिए मेरी मौसम्मी का पेड़, ये इसमें बहुत सारे मौसम्मी आए हुए हैं, अभी ये पके नहीं हैं, अभी सब हरे हरे हैं, तो कुछ दिन 1-2 महीने टाइम ले लेते हैं ये सब ऐसे पकने में बड़े होने में, तो अभी सब में टाइम है। तो आप देख सकते हो कितना सारा मौसम्मी आया हुआ है पेड़ में, तो अपने पेड़ का खाऊंगी इस बार। उठ गया बेटा, हम लोग अभी फार्म पे आए, फार्म पे आके उठ जाता है तू। देखो बिल्ली बोल रही है म्याऊ म्याऊ। गाइस तो यहाँ देख सकते हो आप कितना सारा कस्टर्ड एप्पल आया हुआ है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली जो जो फ्रूट्स मुझे पसंद है ना सब मैंने वहाँ पे लगवाया है। तो ये देख सकते हो आप कितने सारे पेड़ में आए हुए हैं, बहुत सारे पेड़ लगवाए हुए हैं, तो सब में ऐसे लदे हुए हैं इस बार, तो सारे फ्रूट्स आए हैं बहुत अच्छे से। और इसका ये जो सीताफल है ना, इसका टेस्ट इतना अच्छा रहता है, बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा रहता है। तो कई बार है ना दूसरे पेड़ का मैं खाई हूँ मार्केट से लेके, तो ऐसे थोड़ा सा पनसो जैसा लगता है, बट ये सब इतना अच्छा और मीठा रहता है ना, तो बहुत मज़ा आता है खाने में। गाइस तो मिलते हैं गौ माता से, ये देखिए मेरी इतनी सारी गौ माता हैं। तो अभी मिल्किंग चालू है इनकी, तो हमारे पतिदेव को ऐसे मतलब गौ सेवा में ज़्यादा बिलीव है, वो गौ सेवा पूजा पाठ से ज़्यादा वो गौ सेवा करने में मानते हैं, और हमें शुद्ध दूध भी मिल जाता है, तो इसलिए हम लोग गाय रखे हैं। अभी इधर बहुत अच्छी है, ठंडी ठंडी हवा है, मैं और आयु इधर आई हूँ, वे तो अपने फ्रेंड के पास चला गया, तो अभी वहीं पे वो खेल रहा है। यहाँ से निकलूँगी तो फिर थोड़ा सा मार्केट का भी काम है वो सब करके, और फिर मैं वेद को लेने उसके फ्रेंड के घर जाऊंगी। आयु नहीं डाला, आयु नहीं डाला, आयु गाइस। तो मैं और आयु अभी खूब सारी मस्ती करके और अपने फार्म से निकल चुके हैं, है ना?
बहुत मजा आया हम दोनों को ऐसे फार्म पे आके। हम लोग पॉजिटिव एनर्जी ले लेते हैं, फिर पूरी हफ्ता उसको यूज करते हैं, और फिर जब एनर्जी हमारी खत्म होती है तो फिर आ जाते हैं फार्म पे पॉजिटिव एनर्जी लेने, है ना जानू। तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, गौ माता का भी दर्शन हो जाता है और नेचर के साथ भी ऐसे घूम फिर लेते हैं। ये चीज़ें हमें उधर सोसाइटी में नहीं मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मार्केट। गाइस तो देख सकते हो आप कितनी सारी ट्रैफिक है यहाँ इस रोड पे, है ना, हमेशा इतनी ट्रैफिक रहती है। सैटरडे संडे तो कुछ ज़्यादा ही रहती है। यहाँ पे गाड़ी हमारी रुकी हुई थी तो मैं और आयु ऐसी मस्ती कर रहे थे, तो अभी मुझे फर्स्ट क्राई जाना है। गाइस तो मैं आई हूँ फर्स्ट क्राई, यहाँ से मुझे आयु के लिए वॉकर लेना है क्योंकि अभी ये नीचे में क्राउल करता है तो कई बार घर गंदा रहता है, झाड़ू पोछा होते रहता है तो भी ये चलता रहता है, तो तब वॉकर में डाल दूँगी। तो इसके लिए अभी ज़रूरी था, मुझे थोड़ा काम करने में भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये हमेशा या तो क्राउल करेगा नहीं तो मेरे गोद में रहेगा, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो वॉकर ले लेते हैं तो थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अभी फर्स्ट क्राई आए हैं। एक्चुअली ऑनलाइन भी देखा था बट ऑनलाइन में असेंबलिंग का थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि वो असेंबल करके देगा या फिर मुझे यहाँ घर पे कहीं करना पड़ेगा तो मुश्किल होगा, इसलिए सोचा पहले मार्केट में देख लेती हूँ। मार्केट में अगर अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये दो वॉकर पड़े हुए हैं, बस यही दो बच्चे हैं इनके पास जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। ये दोनों बेबी हक का था बट कॉस्टली भी जा रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो सेम ऐसा ही मैंने दूसरे ब्रांड का फर्स्ट क्राई वाले साइट पे देखा है, तो वो यहाँ पे 6000 बता रहा था बट वो बेबी हक का है, बट मुझे वो दूसरे ब्रांड का वहाँ पे 3000 में दिखा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों इतना फालतू का इतना महंगा लेना, 6 महीने तो बच्चे उसको यूज करते हैं, तो इसलिए सोचा कि अभी ऑनलाइन ही मंगा लूँगी। गाइस तो मैं अभी वेद को लेने आई हूँ प्रिश के घर से, तो वेद को लेके अब हम लोग घर चले जाएंगे। तो देखते हैं आज वेद क्या क्या मस्ती किया है यहाँ पे। कैसा लगा? बहुत अच्छा। प्रिश से मिलके अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। खूब मस्ती किया, क्या सब किया? बहुत कुछ किया, जैसे कि हमने फुटबॉल खेला नीचे, साथ साथ वो भी किया। गाइस तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।